Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome back to another podcast episode go together. मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर रजा और आज हमारे साथ बहुत ही कोई खास मेहमान शामिल है क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड अवेयरनेस को क्रिएट करें, चाहे वो लीगल हो, हेल्थ हो या डिफरेंट स्टार्टअप्स के हवाले से अवेयरनेस हो. आज हमने इन्वाइट किया पेस्टर फरहान अली कुंबर को. अस्सलाम वालेकुम फरहान. वालेकुम सलाम मिस्टर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फरहान फॉर एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रूस से में बोलना थोड़ा मुश्किल काम होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इसका पार्ट बने. कोई मसला नहीं, स्माइल कर। फरहान, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि यार बीइंग स्टूडेंट एक बड़ा मुश्किल होता है इंटर के बाद डिसाइड करना कि आपने क्या किस सब्जेक्ट में मास्टर्स या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना है, बट आपकी पूरी जर्नी कैसी रही? जैसे मैं इससे मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन इन माय फैमिली जिसने लॉयर बनने का डिसाइड किया था। ग्रेट. आई एम फ्रॉम राठौना, तो मुझे बचपन से एक, आप कहते हैं ना, आपको तो ऐसी फीलिंग आती है कि यार कोई ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब मेरे दिमाग में हमेशा से था कि यार एक जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जिसमें हर चीज नया चैलेंज होता है, हर दिन कोई नई चीज होती है। इसी तरीके से वकालत का पेशा था। अब वकालत में आपको पता है कि फैमिली में जब कोई नहीं होता तो फिर बड़ा एक इशू भी आ जाता है कि गाइडेंस किससे लेनी। अब जब तक मैं अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहा था, तब तक ऐसा सच मुझे दिमाग में था कि मुझे वकील बनना है, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वकील जिंदगी में करता क्या। देन फरहान व्हाट आप डिसाइड, सॉरी कट डाउन करेंगे, आप ए लेवल्स के सब्जेक्ट क्या चूज किया था आपने? ठीक. मैंने तो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग पढ़ा था, क्योंकि द आइडिया वाज कि आई डिड माय ओ लेवल्स फ्रॉम अ बोर्डिंग स्कूल। उस ठीक टाइम है जब ठीक मुझे लॉ पढ़ना था तो वह लॉ ऑफर नहीं होता, है. तो मैंने ओ लेवल्स कर लिया अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में। फिर जब ए लेवल्स की बात आई, देन आई वेंट टू इस्लामाबाद इन रूट्स कॉलेज। अब वहां पे ए लेवल्स में लॉ ऑफर हो रहा था, लेकिन फॉर सम रीजन मैं एसटीएल जो है अकाउंटिंग ही पढ़ा। मैंने कहा लॉ जो है एलएलबी के टाइम में देख लेंगे, क्योंकि इतना मुझे पता था कि अगर ए लेवल्स में लॉ नहीं भी कर रहा तो बाद में आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। बिकॉज आपको पता है ना कि अगर लॉ नहीं चलता तो कोई तो ऐसी चीज हो कि सीए की तरफ बंदा जा सकता है बाद में, कोई तो अपना प्लान होना चाहिए। क्योंकि उस उम्र में आप सिर्फ सोचते हो कि भाई पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है। मैं भी वही था। अब जब ए लेवल्स कर लिया था उसके बाद एलएलबी में एडमिशन ले लिया, क्योंकि बड़ा क्लियर था कि लॉ पढ़ना है। अब जब पढ़ना शुरू किया तो रियलाइज हुआ कि यार एक तो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले माशाल्लाह तब तक मैं फेल ही होता आता था, कभी मतलब मैं ब्राइट स्टूडेंट था नहीं। लॉ में जब आया तो रियलाइज हुआ कि यार एक ऐसी चीज है जो इंटरेस्ट डेवलप कर रही है, क्योंकि जब रिजल्ट अच्छा आ रहा है, स्कोर अच्छा आ रहा है, तो पता लग जाता है कि भाई आप कर सकते हो इसमें। अब फर्स्ट एड किया, लॉ तो पसंद आ गया, लेकिन लॉ में करियर कैसे बनाना है वो समझ नहीं। उसमें भी ये होता है कि आप जाते हो, लोगों से बात बात करते हो, वो मैंने किया, उससे थोड़ा आइडिया हो गया कि आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, लिटिगेशन में जा सकते हो, बहुत सारी फील्ड है लॉ के अंदर। अब बाय द टाइम मैंने फिनिश माई डिग्री, मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे लिटिगेशन करनी है। अब लिटिगेशन से मैं थोड़ा बता दूं कि जो कोर्ट पे वकील जाते हैं असरा, कोर्ट में जो आप वकालत करते हैं वो बेसिकली लिटिगेशन होती है, तो वो मैंने करना शुरू कर दी थी। अब जब लिटिगेशन में आए तो वहां आप जब पाकिस्तान में होते हो आप सोचते हो कि भाई अब बाहर जाना है, कोई ऐसी डिग्री लेके आनी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में आपका करियर थोड़ा बेहतर हो सकता है। वहां पे आई डिसाइडेड कि बारेट लॉ एक ऐसी डिग्री है जो इवेंचुअली कोर्ट्स पे आपको बड़ी हेल्प करती है। तो लॉ कैसे करना है वहां से लेके बाहर तक, रास्ते में चीजें क्लियर हो गई थी कि क्या करना क्या। अच्छा, जब मैं बता रहा था ना अपने स्टूडेंट्स क्या मेरा इंटरव्यू है बैचलर साहब के साथ, तो बच्चे ने सवाल किया कि सर ये जरूर पूछिए कि सर लॉयर में और बैचलर में फर्क क्या होता है. नहीं, फर्क ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक चीज मैं समय पता होनी चाहिए कि जो बारेट लॉ की डिग्री है वो हम जैसे भी जो बाहर जाके करके आते हैं, ये बेसिकली टाइटल होता है। इस टाइटल की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको भी लोग बहुत जानते हैं कि लिंकन से, मैं आज तक उनका एक स्टैचू पड़ा हुआ, तो वो प्रेस्टीज हमें एक मिल जाती है इस टाइटल के थ्रू। दूसरा, इसमें एक ट्रेनिंग होती है। बेसिक फर्क, अगर मैं एलएलबी कर रहा हूँ, कोई भी कर रहा हूँ दुनिया से, कोई भी करके आ रहा हूँ, इवेंचुअली जिस बंदे ने एलएलबी कर ली वो लॉयर हो। अब अगर पाकिस्तान में मुझे डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाता है मैं एडवोकेट होता हूँ। जो बारेट लॉ है ये स्पेसिफिक एक ट्रेनिंग है, जो वो ट्रेनिंग करके आएगा वो लॉयर भी है वो एडवोकेट भी है, लेकिन उसको बार का टाइटल मिल जाता है, इतना सा फर्क है बस। ये एक ट्रेनिंग है, जो करके आएगा वो बैरिस्टर है, जो नहीं करेगा वो अपने आप को एडवोकेट ही करेगा बस। फरहान, इस पूरी ट्रेनिंग एजुकेशन के दौरान आज जब आप माशाल्लाह सीटें पहुंचे हुए, कैसी खुशी होती है? सर पहले तो जब आप ये कहते हैं इस सीट पे पहुंचे ना, मैं आज भी बहुत पहला इंसान हूँ जो हमेशा खुल के बोलता है कि मुझे लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि एक ऐसी फील्ड जिसमें आपसे सीखते रहते हो। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं यूके से वापस आया था तो मैं 2 साल काम किया था एक यहाँ फर्म है, एम आई लाखनी, बहुत बेहतरीन फर्म है कराची में।
उनके साथ में 2 साल एज एन एसोसिएट काम किया था। उसके बाद जाकर मैंने अपनी फर्म खोल ली थी, तो जो उन्होंने सिखाया वो सीख के हमने आके अपना ऑफिस खोला। तो मैं आज ऐसी सीट पे नहीं हूँ जहां मैं लोगों को गाइड कर सकूं कि उनको जिंदगी में क्या करना है, लेकिन इस स्टेज पे जरूर हूँ कि जो इनिशियल चैलेंजेस किसी को भी फेस होते हैं वो मैंने भी फेस किए और आगे भी करता जाऊँ उस हद तक मेरी। एक मिनट और समझना चाहूंगा, जब आपने हाईलाइट किया कि स्टार्टिंग योर ओन फर्म, कितना कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है कि आप किसी के साथ एसोसिएट के काम करो और उसके बाद फिर आप अपनी फर्म को इनिशिएट कर सको? मुदस्सिर भाई, इस चीज के बारे में बड़ा थोड़ा मैं अनरियलिस्टिक बंदा हूँ, मैं बहुत इम्प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं कभी भी 2 + 2 = 4 काउंट नहीं करता। अब नॉर्मली जब आप किसी भी वकील से बात करोगे, हर कोई ये कहते हैं कि यार कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 5 साल तो कहते ही कहते। और अगर आप पहले हो फैमिली में, फिर तो आप 10-15 साल आराम से किसी के लिए काम नहीं करो, अपना नहीं करो। मुझे हमेशा से ये क्लैरिटी थी दिमाग में कि अपना काम करना, और मैं जिंदगी में हमेशा जल्दी जल्दी चीजें करनी, भाई LLB करना है कर लो, मास्टर्स करना है कर लो, बार करना है कर लो, गैप वगैरह मुझे समझ नहीं आता। अब जब मैंने काम शुरू किया एक जगह पे, तो मुझे इसे दिमाग में 2 चीजें पता होनी चाहिए किसी भी वकील के लिए। अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो आप कहीं भी एक अच्छी वकालत कर सकते हो। आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए और आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो बात की पार्ट है, अगर आप रिसर्च और ड्राफ्टिंग कवर कर लेते हो, उस स्टेज पे फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप इंडिपेंडेंट कैसे। अब इंडिपेंडेंट जाने के लिए 3-4 चीजें और आ जाती हैं। सबसे पहले आपके पास ऑफिस होना चाहिए, पैसे होने चाहिए और क्लाइंट होना चाहिए। अब मेरे पास जब मैं यहाँ के बैठा था, मेरे पास एक क्लाइंट नहीं था, क्योंकि मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि आप क्लाइंट पकड़ के लेके आओ फिर आप अपना ऑफिस खोलो। मैंने 20 साल ऑफिस खोल लिया था, अल्लाह का शुक्र है क्लाइंट आना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बंदा हूँ, तो एक चीज मेरे दिमाग में ऐसा बड़ी क्लियर होती है कि रिस्क अल्लाह के हाथ। ही है, अगर तो नो किसी डाउट, और के हाथ लगता तो ट्रू। मैं ये 10 साल 8 साल 15 साल काउंट कर लेता, क्योंकि उसके हाथ में तो मुझे उस चीज की टेंशन नहीं थी। अच्छा, अब ग्रेट। यहाँ के जब बैठा हूं तो मुझे सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, इतने पैसे कि मैं सर्वाइव कर सकूं और एक ऑफिस। तो ऑफिस स्पेस इस तरीके से हो गई कि मैं क्लिफ्टन में बेस्ड हूँ, ब्लॉक 5 में मेरा ऑफिस है। जो मेरे पार्टनर है और मैं हूँ, हम दोनों का, क्योंकि ऑफिस 2 लोग आगे बीच में, तो हमारी कॉस्ट डिवाइड हो गई। तो इसकी वजह से लकी हो गया कि मेरा पार्टनर अच्छा मिल गया मुझे। और ये है कि अब आके हम बैठे, 1 महीना हुआ है फर्म को और केसेस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो इट्स अ न्यू जर्नी। अभी इस स्टेज पे नहीं हूँ कि फर्म कैसा ग्रो कर रही है, लेकिन मुझे ये पता है इसलिए मैं इसको ग्रो करूंगा, कुछ नहीं हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो तो फरहान, आपने बताया डिफरेंट किस्म के केसेस का डील कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि सिविल मैटर्स, रेंट मैटर्स, फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, सबसे ज्यादा आपका होता है ये केस? बड़ा इंटरेस्ट होता है इसको हल करा के ही रहना है। कोई बंदा आता है इसका, अगर इसका ताल्लुक अगर फैमिली से या रेंट से या इशू है यार, इसको तो मैंने फौरन हल करा के देना है। आप ज्यादा क्लोज किस केस को देख रहे होते हैं? ठीक है, मेरे पास हमेशा ये चीज होती है कि मैं एक चीज की कोशिश करता हूँ कि जो मुझे केस जीतना हो या हारना हो ना, उस पर मैं पर्सनल नहीं हो जाऊँ किसी के साथ कि यार उसको तो मुझे हराना है, ये तो केस जीत ही जाऊंगा, वो मेरी सोच नहीं होती। लेकिन ये जरूर होती है कि जैसे मेरे पास कोई ऐसा केस है जिसमें कोई बंदा नीचे ट्रायल कोर्ट में हार चुका है, अब हम उसकी अपील करें, तो जहां पे आपको पता होता है ना कि मेरिट्स पे आपका केस कितना कमजोर है, वहां पे बहुत अटेंशन मिलती है कि यार अगर मैं ये जीत गया ना तो अपने लिए बहुत एक सेटिस्फेक्टरी बात होती है। अब चाहे वो फैमिली केस हो, चाहे रेंट हो, चाहे सिविल, जहां पे थोड़ा चैलेंज नजर आता है, मतलब पता लगता है इसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अगर आप ये चीज जीत गए तो इवेंचुअली आपकी ग्रोथ होती है। अब जैसे 5 केस में जीत चुका हूँ, छठा बिल्कुल एग्जैक्टली अलहमदुलिल्लाह। वैसा, बहुत सर्टेनिटी है कि भाई मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा आता है जिसमें मुझे पता है कि नहीं यार इसमें मेरा चांस शायद इतना नहीं है, उसको जीतने का अपने मजा, तो उस हद तक मैं चैलेंज देखता हूँ। बाकी कभी भी मैं अपने आप को किसी केस से क्लाइंट से बाउंड नहीं कर देता कि यार अगले वकील को हराना है या कुछ भी होता है, ये केस तो जीतना है। चैलेंज के हद तक मैं सारे केसेस एक्सेप्ट करता हूँ। फरहान, एक और पॉइंट बड़ा हाईलाइट किया जाता है कि बीइंग अ लॉयर आप किस हद तक इसको देखते हो गया है, जो मेरे पास क्लाइंट आया है ये वाकई में विक्टिम है, या ये होता है इंडस्ट्री में कि बस जो भी लॉयर है कि वो केस को एज अ केस ही दे रहा होता है, सही गलत ना जाए डिपेंड नहीं करता। आप इस चीज को कैसे देख रहे होते हो? इसमें मेरा एक तो ये फायदा हो जाता है कि ज्यादातर जो गिल्ट वाला एलिमेंट होता है ना, ये केसेस में होता है कि जो आपका सामने बंदा है क्या उसने क्राइम किया है कि नहीं। हाँ इवन इसमें भी मेरा यही व्यू है कि जो भी लीगली प्रोटेक्शन वो इंटाइटल्ड है बंदा, उसको मैं दूंगा, चाहे वो गिल्टी है चाहे वो गिल्टी नहीं है। अगर लॉ उसको कोई रेमेडी दे रहा है, मैं उसको यूज करूँ, लेकिन दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब मेरी अपनी प्रैक्टिस ये है कि मैं क्रिमिनल लॉ से दूर रहता हूँ, इसलिए सिविल ज्यादा पसंद है। सिविल में जब आपके सामने कोई बंदा आता है,
तो जाहिर सी बात है बड़ा क्लियरिटी के साथ वकील और क्लाइंट का बड़ा सीधा रिश्ता होता है कि भाई जो सच है वह मुझे बता। उस के दौरान जो जो लीगल रेमेडी आप दे सकते हो उसको आप दिए, सिंपल सी बात है। लेकिन ये हर वकील की एक अपनी प्रैक्टिस होती है, हर किसी का अपना तरीका है, क्योंकि मेरे मॉरल्स अलग हो सकते हैं, आपके मॉरल्स अलग हो सकते हैं। कोई इससे डिसएग्री कर सकता है कि यार अगर वो गिल्टी है तो आप स्टिल उसको क्यों प्रोटेक्शन दो, क्रिमिनल अगर अगर आप मना करो वो उसका राइट है, वो पोजीशन लग सकता है। मेरा बड़ा सिंपल सा काम है कि मैं एक वकील हूँ, जो कानून किसी को भी फायदा देगा मैं उसको दूंगा, मैं किसी के जात पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कानून देखूंगा, कानून कोई रेमेडी देगा अपने राइट्स के अंदर मैं उसको एक्सरसाइज करूंगा अपने को फायदे के लिए, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी। अच्छा फरहान साहब, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसके अंदर ही, कि जो इश्यूज आ रहे होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हों या फैमिली डिस्प्यूट के हों, उनकी नेचर क्या होती है? पॉइंट इज दैट कि अगर हम सोसाइटी के अंदर ऐसी क्या चेंज ला सकते हैं या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि उसको हम कोर्ट में ले जाने से पहले ही उनको हल करें। बाज दफ़ा होता है कि आप खुद देखते होंगे कि केस में शायद इतनी ज़्यादा होती जितनी वो ईगो बेस की वजह से उतना ज़्यादा आगे चला जाता है। आप इसको कैसे देख रहे होते हैं? चलिए मैं इस पे थोड़ा मैं ऊपर से सोचता हूँ कि एज अ कॉम जो हम पाकिस्तानी लोग हैं, सब में अल्लाह ने कोई दिया हो ना दिया हो, हम सब में तकबर बहुत है, हम अपने आप को सही बहुत समझते हैं, हम घर तबाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, दोस्ती खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी सियासतदान के लिए सब कुछ तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अना का मसला है। तो जिस केस में अना का मसला आ जाता है ना, वहां वो केसेस खत्म नहीं होते, खास करके जब आप फैमिली इशूज में जाते हो। अब हमने तो अपने बड़ों से यही सीखा है कि जहां पे भी कोई फैमिली डिस्प्यूट आता है तो बहुत ऐसा चांस होता है कि अगर कोई बड़ा अपनी कोई राय दे देता है तो बच्चे ठीक हो जाते ट्रू हैं। हमारे यहाँ ये है कि बच्चे अब अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़े को हमने उस स्टेटस पे रखा ही नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ लड़ते रहते। अब जब आप लड़ते रहते हो किसी तीसरे बंदे को अपना बड़ा बीच में नहीं बनाते तो आप फिर कोर्ट में जाते। जब आप कोर्ट में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में लिटिगेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, सिविल और ज्यादा स्लो है। रेंट केसेस में मैं काम करता हूँ उस पर तो जल्दी आ जाता है, लेकिन उसमें पे ये वाले एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। फैमिली केसेस में बहुत ज्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टडी के केसेस बहुत आते हैं कि बच्चे की कस्टडी माँ भी बच्चे से प्यार करती है, बाप भी बच्चे से प्यार करता है, एक दूसरे से नहीं करते। अब जब एक दूसरे से नहीं करते तो उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जो उसका अल्टीमेट नुकसान होगा वो बच्चे की ग्रोथ पे होगा। अब ये इसलिए होता है क्योंकि ये साइकिल को तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इन दो लोगों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में, अगर कोई तीसरा बंदा आके बीच में बैठ जाए जो इनको थोड़ा थोड़ा सेंस इनके दिमाग में डाल दे, तो ये कोर्ट जाने से छोड़ दे। क्योंकि जब इनको पता है ना कोर्ट जाना पड़ेगा, बच्चे की पेशी होगी, विजिटेशन के राइट्स मिलते हैं, उसका कितना खर्चा होता है, वो सारी चीजें छोड़ के बंदा बोलता नहीं यार मुझे झगड़ा करनी है। अना अगर थोड़ी कम हो जाए, सेंसिबल थोड़ा इंसान ज्यादा हो जाए, तो कोर्ट आपकी पीछे चली जाती है, कंसीलिएशन आपकी पहले आ जाती है। और हाँ, इसमें आप मीडिया का रोल कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कुछ लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है कि ऐसे केसेस जो सेलिब्रिटीज के होते हैं, मीडिया उसको थोड़ा हाईलाइट करता है कि फला शख्स फला सेलिब्रिटी पहुंच गई है अदालत में, बच्चे से मुलाकात कर रही है, वो अब जा रहे हैं, वो अब आ रहे हैं, तो इस तरह से उसको चीज़ों को दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है यार ये मेरा राइट है, ऐसा करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड, जो आपकी बात बड़ी लॉजिकल है, रीजनेबल है, कि जो बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ रहा है वो बड़ा मिस आउट हो रहा होता है दोनों साइड से। चलिए अब इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में क्योंकि पर्सनल स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी टेबल है, कल को कोई क्लाइंट आता है वो अपना फोन भी मेरे टेबल पे रखेगा, अपनी गाड़ी की चाबी भी मेरे टेबल पे रखेगा, अपनी किताब भी मेरे टेबल पे रखेगा, क्योंकि उसको मेरी स्पेस का पता ही नहीं। अब इंसान दो चीजें होती है, एक तो मुझे पता होना चाहिए कि यार ये लोग मीडिया वाले कोर्ट पे आते हैं उनका पर्पस क्या, उनको पता भी है कि स्पेस है जहाँ वाले या वालदा अपने बच्चे से मिल रहा है, मैं उससे दूर रहने, और अगर उनको ये बात पता है तो क्या वो ब्रीच कर रहे हैं। हमारा मसला है कि हमें किसी स्पेस सिखाई नहीं है कि भाई हमें वहां जाना ही नहीं, इसलिए वो अपना राइट फील करते हैं कि हम तो जाएंगे। और दूसरी बात, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में सियासी गुफ्तगू बहुत ज्यादा होती है, दूसरों के बारे में गुफ्तगू बहुत ज्यादा होती है, चैनल पे भी कोई ऐसा तो मुझे नहीं पता कोई चैनल आ रहा हो जो किसी को विजडम दे रहा हो, हम लोग इसी चीज में खुश, अच्छा ये वाला फलाना साहब इनके साथ तलाक हो गया, इन बच्चे के पास गए, तो मीडिया वही दिखा, तो आप और मैं देखना चाह रहे हैं, तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, एज अ माशरा हम ऐसे ऑपरेट करते हैं। उसूल ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप है उनको समझ आ रहा है मीडिया क्यों खड़ी हुई है, मीडिया को समझ आ रहा है माँ बाप क्यों खड़े हुए हैं, लेकिन जो बीच में छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है उसको जिंदगी भर नहीं पता लग रहा है। साइंस में कहती है जब बच्चा 0 से 5 साल की उम्र तक वो बहुत कुछ ज्यादा अपनी सारी जिंदगी के लिए, अब वो 3-4 साल में क्या सीख रहे हैं,
कि वहां से मेरी ये तस्वीरें निकाल रहा है, यहाँ मेरी प्राइवेसी है नहीं, स्पेस नाम की कोई चीज है नहीं, पाकिस्तानी कोर्ट्स पे मैं खड़ा हूँ, तो वो इम्पैक्ट सारी जिंदगी अपनी पर्सनैलिटी में लेके घूमता है। तो उसे एसेंशियली नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी जर्नी है इस चीज को ठीक करने की। मतलब फरहान, ऐसा भी कोई चीज़ आप फेस कर रहे होते हैं कि जिसमें के मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकॉन्सेप्ट लोगों के बने हुए लीगल सिस्टम को लेके वो आपसे आके वो डिमांड करते हैं, आपको समझाना पड़ता है ये इन रियल ऐसा नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता। फिर वो ड्रामों से लोग देख के क्या, नहीं उसमें तो सारा दिखाया गया था, और फिर वो आपसे आके बहस करते हैं। जैसे एक बड़ा वायरल सीन आई गेस पाकिस्तानी फिल्म थी, उन्हें इलेक्ट्रिक कंपनी के ऊपर केस लड़ रहे थे कि वो फ्रिज और ये सब चीजें देकर आ गए थे वो। तो इन इन रियल जो आप उसको कैसे देख रहे होते हैं? जबी मैं तो इसको सिर्फ लीगल तरीके से देखता हूँ कि जब मेरे पास कोई बंदा आता है, अब बहुत मरतबा ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, खास करके इनहेरिटेंस वाले मसले। अब होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में एक बड़ी रिवायत है कि बहनों का हक उनको नहीं दिया जाता। तो मर्द हजरात आएंगे, बोलेंगे हाँ आप एक काम करो, उसे हम डीड साइन करवा लेते, वो हमें लिख के दे देंगे कि उनको इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है। आप उनसे पूछो उनको पढ़ना आता है कि, उनको पढ़ना नहीं आता लेकिन वो साइन कर लेंगे, वो हमारी हर बात मानते हैं। अब ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो किसी का राइटफुल, जो उसका हक होता है, उसको छीनने के लिए आपसे एक डॉक्यूमेंट बनवा दें। अब इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है, मैंने कागज लिखा, भाई मुझे बता रहा है कि बहन ने बोला है वो अपना हक नहीं चाहिए उसको, मैंने वो अंग्रेजी में लिख दिया, बहन को पढ़ना नहीं आता, भाई ने जबरदस्ती साइन करवा दिया, डॉक्यूमेंट हाथ में। अब इस डॉक्यूमेंट पे बेस पे मैंने क्या किया, एक इंसान का शरीयन हक उससे छीन लिया। कानून बोलेगा भाई कागज पे लिखा हुआ, कागज में तो कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उसूलन आपको पता होना चाहिए ये चीज गलत हो जाती है। तो इवन तो जो चीज आपको क्लाइंट दिखा रहा है, कभी कभी वो आपसे ऐसी डिमांड रखता है जो आप कर सकते हो, लेकिन आपको सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। अच्छा, बास का जब बात करते हो लोगों से तो अपन अंदाजा होता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। 8 मार्च वुमेंस डे सेलिब्रेट हो रहा होता है, उसमें बहुत से इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं। किस किस्म की, अगर हम लॉ के हिसाब से बात करें, जो आपका केसेस आते हैं, खवातीन किन इश्यूज को फेस कर रही हैं डिटेली, जो कि उनको अंदाजा ही नहीं होता कि उनके साथ इस तरह की चीजें हो रही होती हैं? सर ज्यादातर तो ये होता है कि चाहे वो सिविल केसेस हो, क्रिमिनल हो, रेंट हो, फैमिली, जहां पे भी कोई खातून आगे आती है केस चलाने, वहां ओवरऑल उनको बहुत सारे मसले फेस होती है। जैसे अगर प्रॉपर्टी के मसले आ जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस वाला मसला आ गया, उनसे हक छीनने के ना बड़े तरीके हो जाते हैं इंसान के पास। इसी तरीके से अगर वो फैमिली केसेस में सामने आती है, उनको वही मसले होते हैं, बच्चे की कस्टडी, फिर वकील हजरात हमारे आ जाते हैं कि जहां पे भी एक हस्बैंड आ रहा है और एक वाइफ आ रही है, दोनों के अपने अपने लॉयर है। बहुत डिपेंड करता है कि खातून किन को वकील करवा रही है, हस्बैंड किन को वकील करवा रहे हैं। तो ओवरऑल एज अ लीगल सिस्टम, जो प्रोटेक्शन एक मर्द लिटिगेंट को मिल जाती है उसके सामने आने से, खातून को नहीं मिलती। दो तीन वजह हो सकती है, जैसे एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है, मर्द का बहुत डीलिंग होती है बाकियों के साथ घूमना फिरना। ऐसे सिस्टम में जब एक खातून सामने आ जाती है तो उनको मिसगाइड करने का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रेशियो जो आपका मर्द के साथ। क्योंकि मैंने कुछ केसेस सुने जो कि फैमिली से थे, कि मकीन ने उनको मिसगाइड कर दिया और बहुत सी जगहों पे वो सारे फेवर्स जो थे वो दूसरे अपोनेंट पार्टी को चले गए, तो ये सब हो रहा होता है। हाँ, इतना डिटेल में बातें करें, अंदाजा ही नहीं हो रहा कि किस हद तक पाकिस्तान में इसका इशूज चल रहे होते हैं और लोग फेस कर रहे होते हैं। और इन सब चीजों में जब आप रह रहे होते हैं, टाइम गुजार रहे होते हैं, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं फरहाना? सर जी, मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि आप जब भी घर जाओ ना, रात सोने से पहले जब आप चेक करते हो ना, 3 वक्त खाना खाया था, अच्छे कपड़े पहने थे, तो ये भी एक बार दिखा करो कि आपका जमीर जिंदा है कि नहीं। अब हमारे वकालत पेशे में, वकालत से क्या, किसी भी पेशे में हर किसी का आपको आती नहीं। आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, वकील हो, अच्छा बुरा हर जगह आपको इंसान मिले। आप कहते हैं ना, यू आर दी एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू सिट विद। तो अपनी दोस्ती अच्छी रखो, अच्छे लोगों में आप बैठो, ताकि आपका जो किरदार है ना, अगर मैं आपके साथ बैठूं, आप मेरी गवाही पूरी दुनिया को दे सकते हो कि फरहान झूठ नहीं बोलता। अपना कैरेक्टर सेंटर रखो कि मार्केट में आपका जो नाम है वो ऐसा हो कि कोई बंदा आप पे उंगली नहीं उठा सकता। वहां पहुंचने के लिए कुछ भी आपको नहीं करना, सिर्फ अच्छी नीयत के साथ सब काम करना। आपको कोई बड़ी चीज नहीं करनी, कोई डिग्री नहीं मिलेगी आपको जैसे लोग बोलेंगे भाई अच्छा इंसान है। आपको सच बोलना है, तमीज से काम करना है, बुराई से दूर रहना है, बुरे लोगों से दूर, अपना सर्कल अच्छा रखें, अच्छे काम करें, बस और क्या चाहिए।
फराहम देता हूँ। होता है ना पास दफा लोग किसी भी जान पहचान के अंदर किसी एक पोस्ट पे बैठा होता है, तो बड़ा इंसान होता है कि उसको कॉल करके देता है कि मसला आगे देख लेना। मतलब लाइटर नोट, जब आप बैरिस्टर बने, आपके जो दोस्त फ्रेंड सर्कल था सारा, वो किस हद तक आपको तंग करता है कि यार ये मसला हो गया, लड़ लिया हूँ मैं किसी से, ये क्या करना है देख लेना सारा। यह है कि पाकिस्तान में अगर आपको रहना है तो एक वकील आपका दोस्त होना लाजमी है। आपको बहुत बहुत चीजों में वो आपको बताएगा। अब नॉर्मली ये होता है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो, या हर दूसरा बंदा ना आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा है, हर बंदा आपका हक मारने के लिए तैयार बैठा है। तो वहां जो आपका दोस्त कोई वकील होता है, जाहिर सी बात है आप उसको बोलते हो कि भाई थोड़ी हेल्प करो। अब जैसे मेरे दोस्त होते हैं, कभी FBI का नोटिस आ गया, या कभी पुलिस स्टेशन का मसला हो गया, या कभी कोर्ट रिलेटेड काम हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कोर्ट आप हमेशा लड़ाई के लिए जाए। ये होता था, आपको पता हो कि अगर कोई गुजर गया तो कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट देती थी, प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा दी थी। अब वो चेंज हो गया, लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस के थ्रू प्रोसीजरली भी आपको कोर्ट जाना पड़ता है। तो वहां कोई ऐसा दोस्त जो रोज कोर्ट जाता है, वो आपकी जिंदगी बहुत आसान कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। आपके लिए चीजें फाइनेंशियली आसान हो सकती है, बंदा दोस्ती की वजह से बहुत चीजें करता है, खासकर पाकिस्तान में। तो ये एलिमेंट होता है कि एक तो दोस्तों की कदर बढ़ जाती है, और दूसरा अच्छा भी फील होता है कि जिनके साथ बचपन में गुजारा है टाइम, आज उन्हीं के हाँ नाम। तो ये अच्छा फखर, मेरे लिए तो बड़ी फखर की बात। थैंक यू सो मच फरहान, बहुत मजा आया आपसे बात करके, स्पेशली जब आप एक सिटी से ताल्लुक रखते हुए लंदन इंग्लैंड से तालीम हासिल कर आए, फिर दोबारा कंट्री को सर्व कर रहे हैं और इतनी यंग एज में इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं या देख रहे हैं कि चूंकि स्पेशली लोगों की बड़ी मेहनत की कमाई होती है। मिसाल अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें या एक फैमिली मैटर्स की बात करें, बड़े इमोशनल होते हैं, तो इन चीज़ों में देखना, अपने आप को भी मोटिवेट रखना, एक्टिव रखना, इन सब चीज़ों के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में कोई एडवाइस देना चाहे फराना? एडवाइस यही होगी कि अगर आपके कोई ऐसे व्यूवर्स हैं जो वकील बनना चाह रहे हैं, और दुनिया उनको कितना ही बता रही है कि पेशा अच्छा नहीं है, पैसे अच्छे नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं उनको यही बोलूंगा कि अगर आपको वकील बनना है, इससे बेहतर प्रोफेशन मेरी नजर में और कोई नहीं। मुझे अगर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा हर चीज, मैं दोबारा ही वकील बनूंगा। जब कोई भी प्रोफेशन आपको डिसाइड करना, क्योंकि मैं आपका चैनल फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है इट्स नॉट ऑल अबाउट लॉ। आपको जिंदगी में जो भी करना, आपकी रीजनिंग सही होनी चाहिए, और वो रीजनिंग बाकी इंसान, सोसाइटी, मुल्क, दोस्त के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, वो ट्रू आपके ऊपर किसी के रीजन पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज करना चाह रहे हो, आप करो बिना ये सोचे कि यार और क्या कहता है, कौन क्या कहता है, क्योंकि वो आपका घर नहीं चलाएंगे, आप ही चलाओ। तो वही ट्रू करो जो तुमको मजा आता। ये प्रॉब्लम ये होती है फिर कि इस टाइम पे खासतौर पे जो ए लेवल्स या इंटरमीडिएट प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उसके बाद बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, और बड़े लिमिटेड ऑप्शन, जैसे आपने बताया डॉक्टर इंजीनियर पायलट के चल रहे होते हैं, और जो एक बहुत बड़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, और शायद लोगों के इंटरेस्ट भी हो उसके अंदर, बट क्योंकि उनको नो हाउ नहीं होती वहाँ पे, वो फिर एक रॉन्ग डिसीजन ले रहे होते हैं। सर यहाँ पे दो जिम्मेदारी आ जाती है, एक तो माँ बाप की जिम्मेदारी आ जाती है, दूसरा स्टूडेंट की अपनी आ जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हमसे कोई चीज नहीं हो पाती ना, हम किसी और के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि यार उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। आप A-levels में हो, आपको अल्लाह ने इतनी जहानत दी है कि आप जो चीज करना चाह रहे हो उस पर आप क्लियर नहीं हो ना कि करना है कि नहीं करना। आप उस बंदे से मिलो जो वो चीज कर रहा है, उसके लिए क्या लगता है, टाइम लगता है, कमिटमेंट लगती है, उनके पास जाना पड़ता है, उनका टाइम मांगना पड़ता है। हम कोशिश करने के लिए तैयार रहते हैं। दोबारा इसमें वो आने वाली बात आ जाती है कि मैं किसी के दर पे क्यों जाऊं। आपको कोई चीज करनी है, गो एंड मीट पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग दोस थिंग्स, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। घर बैठे अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते रहोगे तो फिर नहीं। हाँ, मैंने कुछ सेशंस किए से मेरा रियलाइज हुआ कि आपके जिंदगी में मेंटोर होना बहुत लाजमी है, कि आप किसी से बैठो, बात करो, किसी से पूछो कि वो जो सेक्स फील्ड में काम कर रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसने क्या सीखा, क्या प्रॉब्लम फेस करी, तो एटलीस्ट जब आपको अंदाजा होगा कि वो उन चीजों से आप कैसे बचा सकते हो अपने आप को, तो आप बहुत कम टाइम में एक अच्छी जगह पहुंच सकते हो। तो मैं यही हमेशा लोगों को बोलता हूँ, या आप खुद गलती कर लो, या जो कर चुका है ना उसको देख के सीख। तो मैं एक यही कोशिश होती है, जो जो लोग जिंदगी में गलतियां कर चुके हैं, जो मैं पॉसिबली फ्यूचर में कर सकता हूँ, वो मैं अपनी एलिमिनेट कर दूँ। शायद उसी वजह से अपने इनिशियल स्टेजेस पे ही मैं एक फॉर्म वगैरह खोल के बैठ गया था, क्योंकि माशाल्लाह, रीजनिंग बड़ी क्लियर थी, आइडिया मुझे था कि भाई अगले 10 साल क्या क्या हो सकता है। तो 10 साल में जो लोग गलतियां करते थे, वो मैं अभी से जब माइनस कर दूंगा ना, तो उनको जो 20 साल लगे थे जिंदगी में कुछ करने में, मुझे शायद 10 साल लगे। तो बस वो चीज़ है। थैंक यू सो मच अगेन फरहान साहब, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और अगेन आपने टाइम दिया रमजान में, थैंक यू सो मच। थैंक यू मदरसे भाई, पढ़ाई अपना ख्याल मजा आया। रखिएगा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।